छतरपुर में एक स्कूल के गार्ड का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। गार्ड के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर ज्यादा काम लेने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। चौबे कॉलोनी में मरिया माता स्कूल में गार्ड का काम करने वाले राजकुमार तिवारी का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही सुबह इस बात की सूचना परिजनों को लगी तो तुरंत ही परिजन मरिया माता स्कूल पहुंचे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने मौत की सूचना हमें नहीं दी। स्कूल प्रबंधक मृतक से सिक्योरिटी का काम करवाता था। सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गार्ड रूम में मृतक के शव को बाहर निकलवाया और पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इसमें लापरवाही जरूर मान सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रबंधन में सिर्फ एक ही गार्ड और आप देख रहे हैं, आप स्वयं आप सब लोगों ने देखा कि कोई दूसरा कोई गार्ड था ही नहीं उसी को दिन में उसी को रात में। तो ये प्रथम दृष्टा तो यही लग रहा है कि नहीं, ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही बिल्कुल कही जा सकती है और प्रशासन को भी सूचित नहीं किया गया। जो व्यवस्था यहाँ दिया है, जो उनको जो गर्म कपड़ा है सारे चीज़ें वो पहन के ही आता है, अपना खाना पीना सब लेके आता है वो, ठीक है। उसके बाद कुर्सी वहाँ पड़ी है, ठीक है, उसको बैठने के लिए सारे सुविधाएं हम लोगों ने दे रखा है जो हो सकता है स्कूल के तौर पर, ठीक है, उसके तौर पर हम लोगों ने किया है। और गार्ड हमेशा वो एक अच्छा इंसान था, वो अपना कपड़ा सारे व्यवस्था के, आज भी आपने भी देखा है उसने गर्म कपड़ा पहना है। अब उसको क्या कारण से वो गुजर गया ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये मरिया माता स्कूल में ये चौकीदारी करता था जिसका नाम राजकुमार तिवारी है, जो गोहिरा का रहने वाला है। मर कायम कर जांच में ले लिया है, जैसी स्थिति होगी वैसी सब लोगों को पता लग जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।